So, hey friends, in this one we are going to revise our chapter, that is the revisional transfer pricing with the help of Atul sir notes. So hereby we are trying to recall the concept for the same. Right. तो व्हाट इज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग? डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? बेसिकली हमें इसके सारे कंसेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल. सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें थोड़ा ईज रहे, दैट्स व्हाई वी आर रिकॉलिंग हियर बाय अबाउट द कंसेप्ट. व्हाट इज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग? डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, तो वी नीड टू कवर द बेसिक्स, देन ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स, देन गोल कॉन्ग्रुएंस, देन ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल, देन प्रपोजल फोर. व्हाट विल बी दी प्रपोजल? क्या होगा फोर? ये क्या लिखा है? ट्रांसफर प्राइसिंग कंफ्लिक्ट, देन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग एंड ऑल. तो यहाँ पे क्या है कि वैसे तो हमारा डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बट कुछ पार्ट में थ्योरी भी है तो वो भी हमें कवर करनी पड़ेगी द सेम. देन कम्स दी बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. व्हाट विल बी द बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? प्राइसिंग दैट इज सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगा? एंड व्हाट विल बी द एक्सटर्नल प्राइसिंग? एक्सटर्नल प्राइसिंग डिसीजंस. तो ये पर्टिकुलर चैप्टर तो हमारे उसमें नहीं है, शायद वो मिक्स में है, उसको हम फर्दर देखेंगे. ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या है? एबीसी लिमिटेड है, डिविजन ए ट्रांसफरर प्लास्टिक बॉटल्स, डिविजन बी जो है वो ट्रांसफर ही है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक. तो डिविजन ए जो है वो ट्रांसफरर है, वो प्लास्टिक बॉटल्स बना के देता है, और डिविजन बी जो है दैट द सेम इज दी ट्रांसफरी, तो वो कोल्ड ड्रिंक सेल करता है. तो ट्रांसफर द सेलिंग प्राइस अमाउंट, ट्रांसफर प्राइस किस प्राइस पे वो प्लास्टिक बोतल देगा डिविजन बी को, दैट इज द ट्रांसफर प्राइस. व्हेन वन डिविजन डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विस टू अदर डिविजन और डिपार्टमेंट ऑफ सेम एंटरप्राइज, द प्राइस एट व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस इज ट्रांसफर प्राइस. व्हेन वन डिविजन डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर डिविजन एंड डिपार्टमेंट, जब एक डिविजन और डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है गुड्स और सर्विसेज दूसरे डिविजन डिपार्टमेंट को ऑफ सेम एंटरप्राइज, देन ट्रांसफर एट व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस इज दी, तो जिस प्राइस पे वो ट्रांसफर हुआ है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइस. यानी कि प्लास्टिक बॉटल किस प्राइस पे दिया जा रहा है कोल्ड ड्रिंक डिविजन बी को, कोल्ड ड्रिंक वालों को. डिविजन विच सेल गुड्स इज ट्रांसफरर सप्लाइंग डिविजन. डिविजन जो कि गुड्स सेल कर रहा है जैसे कि प्लास्टिक बॉटल वाला, डिविजन ए जो है वो ट्रांसफरर है, और जो कोल्ड ड्रिंक डिविजन बी है वो ट्रांसफरी है द रिसीविंग डिविजन. परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ डिविजन डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल एंड न्यू. डिविजन आर ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर. ट्रेडिशनली इट वॉज देर वॉज द कंसेप्ट दैट इज डिविजन आर ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर, और न्यू में डिविजन आर ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर. न्यू में क्या होगा? डिविजन जो है दैट द सेम विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर. डिविजन ए डिविजन बी डिविजन सी. तो क्या होता था कि देर इज अ कॉस्ट सेंटर, मतलब कितना कॉस्ट है, फिर कितना कॉस्ट है एंड ऑल. अब क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ऑब्जेक्टिव. नाउ हियर कम्स दैट व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के?
टू डेवलप हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या डेवलप करना होगा? हमें डेवलप करना होगा हेल्दी कॉम्पिटिशन। वॉट वी नीड टू डू इज टू डेवलप दी हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस डिविजन्स जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हमें हेल्दी कॉम्पिटिशन को डेवलप करना होगा। टू डेवलप कमर्शियल एटीट्यूड अमंग डिविजनल एम्प्लॉय। कमर्शियल एटीट्यूड को डेवलप करना होगा अमंग द डिविजनल एम्प्लॉय। फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन ऑफ वेरियस डिविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या करना होगा? फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करना होगा वेरियस डिविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टू गिव बोनस टू डिविजनल एम्प्लॉय प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, हमें क्या करना होगा? टू गिव बोनस देना होगा तो टू डिविजनल एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइजिंग? ट्रांसफर प्राइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है होंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हमें डेवलप करना होगा हेल्दी कंपटीशन अमंग वेरियस डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि हमें डेवलप करना होगा हेल्दी कंपटीशन अमंग वेरियस डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वी नीड टू डू इज टू डेवलप द हेल्दी कंपटीशन अमंग वेरियस डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें डेवलप करना होगा कमर्शियल एटीट्यूड अमंग द डिविजनल एम्प्लॉय। फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ वेरियस डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना होगा ऑफ वेरियस डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टू गिव बोनस टू डिविजनल एम्प्लॉय प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, बोनस देना होगा डिविजनल एम्प्लॉय का प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। देन कम्स द डिविजन वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। डिविजन वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, डिविजन ए, डिविजन बी एंड कंपनी, ट्रांसफर ट्रांसफरी एंड द कंपनी, आउटसाइड सेल जो भी हो गई हमारी, देन ट्रांसफर प्राइस, इंटरनल ट्रांसफर, फिर वही जो उसकी ट्रांसफर उस प्राइस पे, किस प्राइस पे वो अगले डिपार्टमेंट को दे रहा है, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑन, इसके हम फर्दर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑन, ट्रांसफर प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑल, ये जो है ये प्रैक्टिकल पोर्शन में आ जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। ट्रांसफर प्राइसिंग के कौन कौन से मेथड्स होंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग के कौन कौन से मेथड्स होंगे? कॉस्ट बेस्ड, मार्केट बेस्ड, नेगोशिएशन बेस्ड। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स, ट्रांसफर प्राइसिंग के कौन कौन से मेथड्स होंगे? कॉस्ट बेस्ड, मार्केट बेस्ड, नेगोशिएशन बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड मेथड्स में क्या आएगा? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस आरओआई। देन कम्स द एग्जाम्पल कंपनी, डिविजन ए बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल कॉस्ट इतनी है, डिविजन बी इतनी है, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर कॉस्ट अदर देन बॉटल, सेलिंग प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज दिस। कंपनी पॉलिसी, ट्रांसफर प्राइसेस, टोटल कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। कंपनी की पॉलिसी है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? टोटल कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट सपोज इसकी है 10, 20% प्रॉफिट यानी कि कॉस्ट का 20% प्रॉफिट यानी कि 10 का 20% यानी कि 2 यानी कि 12। तो ए बी सी 16, 16, ट्रांसफर प्राइस 12, 12 फर्दर चला जाएगा, फिर ऐसे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। मार्केट बेस्ड मेथड, मार्केट बेस्ड मेथड में क्या होता है? मार्केट प्राइस, ट्रांसफर विल बी डन एट मार्केट प्राइस। ट्रांसफर कहाँ होगा? ट्रांसफर जो है द सेम विल बी डन एट मार्केट प्राइस पे होगा, ट्रांसफर प्राइस विल बी द मार्केट प्राइस। शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी विल बी डिवाइडेड अमंग डिविजन इन टोटल कॉस्ट रेशियो। टोटल प्रॉफिट जो है कंपनी का वो डिवाइड होगा अमंग डिविजन इन टोटल कॉस्ट रेशियो में। टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? डिविजन की डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट क्या है? कंपनी की मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। ये इस पे जो है शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट, इस पे स्टडी मटेरियल में भी एग्जाम्पल दिया है। आई विल ट्राई कि मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँ हिंदी सब्सिक्वेंट प्रैक्टिकल वीडियो में, बट हियर बाय इस पे एक क्वेश्चन बनता है और उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ डिविजन। उसमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट निकालते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, फिर उसको हम अपोर्शन करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ डिविजन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी के रेशियो में। टोटल ट्रांसफर प्राइस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग डिविजन प्लस शेयर्ड प्रॉफिट। एग्जांपल वन विल बी द मार्केट प्राइस मेथड। कंपनी डिविजन ए, डिविजन बी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज 10, मार्केट प्राइस इज 14, कोल्ड ड्रिंक 8000 यूनिट कॉस्ट अदर देन बोटल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। देन हमारा इसका सोल्यूशन आ जाता है।
इसको हम कर तो सकते हैं वैसे, पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ के देख तो लेते हैं। सपोज हमारा जो कॉस्ट था वो है था 10, मार्केट प्राइस थी 14, डिवीजन ए के केस में। डिवीजन बी के केस में 8,000 यूनिट उसको चाहिए, और कॉस्ट अदर देन बॉर्डर उसको 25 पड़ता है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो है वो 51 है। तो एज पर मार्केट मेथड में क्या होगा कि इसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है 14, उसकी जो सेल प्राइस थी वो कितनी है 15, उसके बाद हमारी खुद की कॉस्ट कितनी आ रही है 10, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है अदर देन बॉटल 25 आ रही है। फिर इधर तो इसकी फिर ये अपनी ट्रांसफर प्राइस कितना डालेगा 14, और इसमें इसका प्रॉफिट होगा 4, इसमें इसका प्रॉफिट होगा 12। तो बस ये इतना ही कर रखा है इस क्वेश्चन में। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, सपोज इन एग्जांपल वन, डिवीजन ए ट्रांसफर कर रहा है 8,000 यूनिट टू डिवीजन बी। कैलकुलेट कीजिए ट्रांसफर प्राइस बाय फॉलोइंग शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट मेथड। तो इसमें हमारा जैसे कि हमें 8,000 यूनिट बेचनी है और 51 की हमारी सेलिंग प्राइस है, तो इतना आया। उसमें कॉस्ट क्या आ रही है डिवीजन ए डिवीजन बी को, तो डिवीजन ए को आ रही थी 10 रुपये कॉस्ट आ रही थी, और डिवीजन बी को अदर देन प्लास्टिक जो है वो इतनी कॉस्ट आ रही थी। मैं लेस कर दिया तो इससे हमारा निकल गया प्रॉफिट। ये क्या है शेयर बेस्ड वाला, जो हम पहले हम सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा पूरा कंपनी एज अ होल, टोटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। तो टोटल इसने कितना सेल में किया था, इसने कितने में सेल किया था, इसने कितने में सेल किया था, इसने सेल किया था टोटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, इसने सेल किया था 51 में 8,000 के यूनिट। तो ये आया हमारा सेल प्राइस। फिर डिवीजन ए में हमारी कॉस्ट आई 10, तो ये हो गया। फिर डिवीजन बी में 25, तो ये हो गया। तो टोटल प्रॉफिट आ गया। अब आपको इसको अपोर्शन करना होगा डिवीजन ए और डिवीजन बी में। डिवीजन 1,28,000, 1,28,000 डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय आपकी टोटल कॉस्ट क्या है कंपनी के 2,80,000, 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 80,000 और 2 लाख। ये जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी है, और दी कॉस्ट ऑफ डिविजन के अपोर्शन में हमें इसे अपोर्शन करना है रेशियो में, फिर आ जाएगा ये। इससे हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 1,28,000 का वो आ जाएगा। फिर इसको हमें कॉस्ट में ऐड करना है, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या थी 80,000 और एक और जो भी थी 80,000 और 2,80,000, ये हमारी कॉस्ट थी एक्चुअल में। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारी इसके थ्रू ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी पर यूनिट। नेगोशिएशन बेस्ड मेथड, व्हाट विल बी द नेगोशिएशन बेस्ड मेथड, क्या होगा? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी शैल नेगोशिएट प्राइस। ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जो है वो नेगोशिएट करेंगे प्राइस को। ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस, देन कम्स द कंसेप्ट दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस। देन हमारा फर्दर कंसेप्ट आता है, डेट इज नथिंग बट दी ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कंग्रुएंस। ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कंग्रुएंस बोलता है डिसीजन शैल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिविजन एंड कंपनी एज अ होल। जो हम डिसीजन लेते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कंग्रुएंस में, तो वो डिसीजन जो लेते हैं हम, दैट द सेम सेम शैल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिविजन एंड कंपनी एज अ होल। तो वो किसके बेस्ट इंटरेस्ट में, डिविजन के बेस्ट इंटरेस्ट में एंड कंपनी एज अ होल लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरर एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरी। तो ये पर्टिकुलरली ये जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरर एंड द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरी। ये फर्दर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरर क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, सॉरी सॉरी, हम अभी ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, और ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर कितना है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर कितना है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन इंटरनल ट्रांसफर, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अगर उसने कोई फर्दर एक्सपेंस किया है तो, प्लस अगर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं दी होती है, बट अगर दी हो तो हम उसे ले लेंगे। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट अगर कोई दी है तो हम उसे ले लेंगे। प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, प्लस क्या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ कैपेसिटी शॉर्टेज हो जाती है तब जाके हमारी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर आती है।
व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरर? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी ट्रांसफरर के लिए? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। हम क्या बोलेंगे कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर माइनस एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन इंटरनल ट्रांसफर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हमारी कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है? प्लस हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर देखेंगे। अगर हमारी कैपेसिटी शॉर्टेज हो जाती है उस केस में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। ये फर्दर आपको तब पता चलेगा व्हेन व्हेन वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल। पर एज अ इंस्टेंस फर्स्ट में हमें इसमें कैसे पता चल रहा है व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर प्लस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। ये क्वेश्चन में नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगी बट फिर भी देखती है तो हम इसको कंसिडर करते हुए चलते हैं। प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ये कैपेसिटी शॉर्टेज वाले केस में आती है। उसके बाद आता है मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरी। व्हाट विल बी द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरी? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मतलब ये होता है कि कितना इतना तो वो मिनिमम लेगा ही लेगा ट्रांसफर। ट्रांसफर ही कितना मैक्सिमम दे सकता है प्राइस? तो एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट प्लस माइनस ऑल्ट्रेशन कॉस्ट। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरी क्या होगा? दैट विल बी द एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट। कि एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट क्या होगा प्लस माइनस वो ऑल्ट्रेशन कॉस्ट को कंसिडर करेगा और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी। और हम क्या बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है ट्रांसफरी की? माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी द एक्सटर्नल बाय कॉस्ट प्लस माइनस ऑल्ट्रेशन कॉस्ट और द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरर, एक और इस पॉइंट को भी किसी क्वेश्चन में कंसिडर किया जाएगा बट नॉर्मली ये वाली सिचुएशन नहीं मिलेगी। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरर नेट ऑफ एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन इंटरनल ट्रांसफर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोअर विल बी द मैक्सिमम। इनमें से जो लोअर होगी वो होगी हमारी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। एग्जाम्पल्स है डिविजन ए है ट्रांसफरर कॉम्पोनेंट एक्स मैन्युफैक्चर वेरिएबल कॉस्ट है 45 सेलिंग प्राइस तो आउटसाइड है 60 वो कितने में बेच रहा है? डिवीजन ए की सेलिंग प्राइस है 60 वेरिएबल कॉस्ट है 45 कैपेसिटी है 10,000 यूनिट। आउटसाइड डिमांड करता है वो कंपोनेंट एक्स की 8,000 9,000 10,000। उसके बाद हमें डिवीजन बी का डेटा दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है कि 2,000 यूनिट जो है डिवीजन बी को चाहिए। ईच कैलकुलेटेड रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स सो एक्स रिक्वायर 2,000 यूनिट चाहिए। सेलिंग प्राइस जो है कैलकुलेटर की वो दे रखी है 88 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर जो दे रखी है वो 30 दे रखी है अदर देन कंपोनेंट एक्स। डिवीजन बी कैन परचेज द कंपोनेंट एक्स फॉर एक्सटर्नल मार्केट। इसमें एक्सटर्नल बाय कॉस्ट बता रखी है 57। अब इस केस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालनी होगी। सबसे पहले हमें देखना होगा क्या हमारे पास एक्स्ट्रा है या नहीं है। हमारी जो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी है 10,000 और केस ए में वो कितना बना रहा है? केस ए में बना रहा है 8। सबसे पहले आप डिविजन ए का डेटा देखिए। डिविजन ए का डेटा देखेंगे तो कैपेसिटी थी 10,000 और हमारा हम बना रहे 8,000 यूनिट तो हमारे पास एक्सेस 2,000 यूनिट से हम दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो है वो फर्स्ट वाले केस में मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 45 आएगी। हम फर्दर से और कैलकुलेट करेंगे पर करंटली एक बार ओरली हम डिस्कस करें तो फर्स्ट वाले केस में जो है हमारी ट्रांसफर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो है वो 45 आएगी क्योंकि हमारे कैपेसिटी है 10,000 और हमारी डिमांड है एक्सटर्नल डिमांड है 8,000 तो हम डिविजन बी को 2,000 इजिली दे देंगे जिसमें हमें कोई लॉस नहीं होगा। तो हमारी जो है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हम उसे 45 में दे देंगे क्योंकि हमारे और कोई फर्दर एक्सपेंस नहीं होगा कोई क्योंकि हम जब बाहर वाले को बेचते हैं तो हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग भी होता है तो हम जब डिविजन में बेचेंगे तो हमारा एसेट्स कोई कॉस्ट नहीं आएगी इसलिए हम 45 में ट्रांसफर कर देंगे। केस टू में आता है हमारा जो एक्सटर्नल डिमांड है 9,000 जबकि हमें हमारी कैपेसिटी है 10,000 जबकि डिविजन बी को चाहिए 2,000 तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1,000 ही एक्स्ट्रा है और 1,000 हमारे पास नहीं है। 1,000 हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हमारी अगर हम बाहर वालों को ना बेचकर डिवीजन बी को बेचते हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें जो है वो हमारी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कुछ ऐसे निकलेगी। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 1,000 यूनिट के लिए तो हमारी 45 हो जाएगी बट बचे हुए के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगी। हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी यानी कि हम
हम बाहर वालों को नहीं भेजते और डिवीजन बी को भेजते हैं, बाहर वालों को नहीं भेजते हैं डिवीजन बी को भेजते हैं, यानी कि 60 माइनस 45, यानी कि हमारी 15 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग जाएगी, यानी कि हमारी 15 की अपॉर्चुनिटी भी कॉस्ट भी लग जाएगी, यानी कि 45 प्लस 15 हो जाता है हमारा 60। तो हम इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, हम करेंगे 45, हम करेंगे 1000 यूनिट पे हमारी 45 लगती है, प्लस हम करेंगे 1000 यूनिट पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि 45 प्लस 15 60 के हिसाब से लगती है। तो 1000 पर हमारी, फिर सबसे पहले फर्स्ट 1000 पर हमारी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 45, उसके बाद अगले 1000 पर हमारी लगेगी 60, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे विद दी 2000, तो हमारा तो इसमें हमारी कॉस्ट आ जाएगी 52.5। इसमें हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसमें हमारी कॉस्ट आ जाएगी 52.5 हमारी आ जाएगी। सेकेंड वाली यूनिट के केस में हमारी आ जाएगी कॉस्ट 52.5। थर्ड वाली केस में क्या है, थर्ड वाली केस में हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब फर्स्ट वाले केस में हमारी, अगर हम मिनिमम ट्रांसफर प्राइस देखें डिवीजन ए के केस, डिवीजन ए के पर्सपेक्टिव से, तो वो उसकी फर्स्ट में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लग रही, उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है, वो इजीली दे देगा 45 पे, क्योंकि उसकी, क्योंकि वो बाहर नहीं बेच रहा है डिवीजन में बेच रहा है, डिवीजन में बेचने पर उसे कोई मार्केटिंग और सेलिंग ऐसी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, तो वो 45 में दे देगा। उसके बाद डिवीजन सेकेंड वाले केस में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा है 1000, 1000 हमें एक जबकि हमें देने हैं 2000, तो अब हम 1000 तो दे देंगे, हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है 45 पे, बट 1000 हम नहीं दे सकते क्योंकि हम बाहर वालों को नहीं देंगे डिवीजन बी को देंगे, तो उस केस में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगी। उस केस में जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 45 यानी कि 15 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है 45 प्लस हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15 की, तो टोटल हो जाएगा 60, तो 1000 मल्टीप्लाई 45, क्योंकि उसमें हमारे कोई लॉस नहीं है, प्लस 1000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 2000 करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 52.5। थर्ड वाले केस में क्या हो जाता है, थर्ड वाले केस में हमारी कैपेसिटी थी 10000 और हम बाहर वाले को भी बेच रहे हैं 10000, जबकि हमारी 2000 की शॉर्ट कमिंग हो रही है। जब हमारी 2000 की शॉर्ट कमिंग हो रही है तो हम उसको कितने में बेच सकते हैं, तो हमारी ट्रांसफर प्राइस ही 60 आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 45 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15, तो 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। और इसमें हमारे कोई मतलब ऐसा रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा 2000 ही पूरा वैसे जा रहा है। उसके बाद हमें निकालना होगा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस भी, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस भी निकालना होगा, तो फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं। एक बार हम अपने लेवल पर सोचने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल बाय कॉस्ट प्लस माइनस ऑल्ट्रेशन कॉस्ट। एक्सटर्नल बाय कॉस्ट इस पर्टिकुलर केस में है हमारी 57, एक्सटर्नल बाय कॉस्ट है 57, इस पर्टिकुलर केस में हमारी कोई भी ऑल्टरेशन कॉस्ट नहीं है, तो फिर वो हमें नहीं पता। एक तो आ गया हमारा 57। दूसरा केस होता है जो सेलिंग प्राइस है ट्रांसफरी की माइनस उसमें से हम लेस करते हैं दी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस कितनी है 88 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30, तो इस केस में आ जाएगा हमारा 58। तो इन दोनों में से लोअर कौन हो जाएगा, इन दोनों में से लोअर हो जाएगा दैट द सेम विल बी 57, तो हमारा क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो हमारी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाएगी 57, तो हमारी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी 45, 52.5, 60 और मैक्सिमम ट्रांसफर आ जाएगी 57 इन ऑल थ्री केसेस, बिकॉज 57 और 58 लोअर ऑफ दोनों में से जो लोअर है वो आ जाएगी, तो हमारी एक रेंज बन जाती है, मिनिमम हो जाती है 45, मैक्सिमम चली जाती है 57, फिर अगेन 52.5 से 57। अब मिनिमम हमारी 60 है और मैक्सिमम 57, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कोई रेंज नहीं हो सकती। तो फर्दर हम आगे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन में इतना ही था। उसके बाद सपोज इन एग्जाम्पल वन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिविजन ए इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फोर एंड नॉट इंकर्ड इन इंटरनल ट्रांसफर। अब सपोज हम ये केस अज्यूम करें कि हमारी यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है ट्रांसफरर के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जैसे हमारी 45 थी माइनस 4 हो जाएगा, तो हमारी जो फर्स्ट वाले केस में आ जाएगी, फर्स्ट वाले केस में हमारी कॉस्ट जो है वो 45 की जगह 41 हो जाएगी। सेकेंड वाले केस में हमें उसे कैलकुलेट करना होगा, सेकेंड वाले केस में एक तो आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 14, एक तो क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 14। उसके बाद नेक्स्ट वाले केस में होगा कि 45
कि 60 माइनस 41 हो जाएगा तो 19 आ जाएगा आई थिंक। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस में जो है दैट द सेम विल बी 45 माइनस 4 41 हो जाएगा। फिर सेकंड वाले केस में वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 41, 1000 मल्टीप्लाई बाय 56, तो उस केस में हमारी 48.5 आ जाएगा। और थर्ड वाले केस में हमारा 56 आ जाएगा, 41, 48.5 और थर्ड वाले केस में 56। तो ये हमारी जो है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी। फिर मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फिर से 57 माइनस यहाँ पे ऑल्ट्रेशन कॉस्ट आ जाएगी हमारी। इस क्वेश्चन में ऑल्ट्रेशन कॉस्ट भी दे रखी थी, तो जब हम एक्सटर्नल बाय कॉस्ट लेंगे फिर हमें प्लस माइनस करना होता है दी मतलब एक्सटर्नल बाय कॉस्ट प्लस माइनस ऑल्ट्रेशन कॉस्ट, प्लस माइनस ऑल्ट्रेशन कॉस्ट। इसका मतलब ये है अगर डिवीजन बी परचेज करता है डिवीजन ए से, तो डिवीजन बी को मतलब जब वो डिवीजन बी जो है परचेज करता है डिवीजन ए से, तो उसको कुछ ऑल्ट्रेशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी जब वो मॉडिफाई करेगा कंपोनेंट एक्स को। यानी कि उसका मतलब वो जितनी प्राइस से खरीदेगा एक्सटर्नल बाय कॉस्ट, सपोज उसका 57 लग रहा था, तो उसको और मतलब उसको 6 रुपए भी लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर। तो वो कितना कितना दे सकता है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम दे सकता है 57 माइनस 6, 51 ही दे सकता है क्योंकि 6 रुपए तो उसको और आगे लगने वाले हैं। तो दिस विल बी दी 57 माइनस 6 51। और एक और केस में हो जाएगा हमारा क्या था ट्रांसफरर प्राइस कितना था 58, सॉरी उसका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या था हमारा 88, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 30, और प्लस इसमें ऑल्ट्रेशन ऐड हो जाएगा, तो 30 प्लस 6 माइनस 88, तो ये इन दोनों का लोअर आ जाएगा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरर, नेट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड दिस ऑल। तो हमारा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा 41, फिर 48.5, देन 56, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 51, 51, 51। तो एक रेंज बन जाएगी 41 से 51, 48.5 से 51 और 56 से, ये कोई रेंज नहीं बनेगी। अब इसमें हम क्या बोलते हैं इफ रेंज फॉर्म, अगर रेंज बन रही है जैसे कि फर्स्ट और सेकंड वाले केस में तो रेंज बन रही है, तो अगर ट्रांसफर होता है विद इन रेंज, अगर हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसफर हो रहा है विद इन रेंज, अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है विद इन रेंज, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है, ये गोल कॉन्ग्रुएंस है। अगर रेंज बन रही है और ट्रांसफर हो रहा है, रेंज बन रही है और ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। रेंज बन रही है ट्रांसफर हो रहा है तो सबके लिए बेनिफिशियल है। ट्रांसफर आउटसाइड रेंज बेनिफिशियल फॉर कंपनी, अगर ट्रांसफर विद इन रेंज हो रहा है तो बेनिफिशियल है सबके लिए, पर अगर ट्रांसफर हो रहा है आउटसाइड मतलब रेंज के बाहर हो रहा है तो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, तो बेनिफिशियल है बट लॉस है डिविजन को। और नो ट्रांसफर टुक प्लेस, रेंज भी बन रही है पर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये लॉस होगा कंपनी को। तीन चीजें हमें यहाँ पे कंक्लूड करनी है हियर बाय इन दिस पर्टिकुलर केस। तीन चीजों को हम कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइस विद इन रेंज, अगर ट्रांसफर हो रहा है विद इन रेंज तो ये बेनिफिशियल है सबके लिए, अगर ट्रांसफर आउटसाइड रेंज हो रहा है तो ये लॉस है डिविजन को, बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। बेनिफिशियल तो है कंपनी के लिए बट किसी डिविजन को लॉस होगा। और अगर रेंज बन रही है और ट्रांसफर नहीं हो रहा है, रेंज बन रही है और ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये लॉस होगा कंपनी को। तो ये पूरा पर्टिकुलर सिनेरियो इस तरीके से है। अब हम चले जाते हैं सेकेंड केस में जहाँ हमारी रेंज ही नहीं बन रही है, रेंज ही नहीं बन रही। अगर रेंज नहीं बन रही है और ट्रांसफर नहीं हो रहा है, रेंज नहीं बन रही थी हमने मान लिया, अच्छा ठीक है रेंज नहीं बन रही है, फिर हमने बोल दिया ठीक है ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, जब रेंज ही नहीं बन रही है ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो ये बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, ये अगेन गोल कॉन्ग्रुएंस है। बट अगर रेंज नहीं बन रही है फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, रेंज नहीं बन रही है फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये लॉस है कंपनी को। ये रेंज नहीं बन रही है ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, रेंज नहीं बन रही है फिर भी ट्रांसफर कर रहे हो तो ये लॉस होगा कंपनी को। इस वाले केस में हमने क्या सीखा कि हमारी रेंज बन रही थी, रेंज बन रही थी विद इन द रेंज सब कुछ हो रहा है, तो ये गोल कॉन्ग्रुएंस है, विद इन द रेंज सब कुछ हो रहा है गोल कॉन्ग्रुएंस है, बेनिफिशियल है कंपनी को।
फिर इसके बाद आउटसाइड द रेंज, फिर क्या हो रहा है कि कुछ चीजें जो है आउटसाइड द रेंज जा रही है, आउटसाइड द रेंज जाती है तो ये बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, पर इंडिविजुअली डिविजन को लॉसेस है, और अगर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो ये लॉस होगा टू दी कंपनी को। ठीक है, तो ये सारी वो ही सारी बातें हैं जिसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट लॉस टू द कंपनी एज अ होल कैसे निकालेंगे। ट्रांसफर टुक प्लेस, नॉट टुक प्लेस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस माइनस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड बाय ट्रांसफरी और द नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर। ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल, कैसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे एंड ऑल सच थिंग। इफ ट्रांसफरर मेक्स मल्टीपल प्रोडक्ट एंड देर इज अ की फैक्टर दैट इज ट्रांसफरर हैज समथिंग इन अ शॉर्ट सप्लाई, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एक्सेट्रा, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल, हम क्या बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल क्या होगा। इफ ट्रांसफरर मेक्स मल्टीपल प्रोडक्ट एंड देर इज अ की फैक्टर, अगर ट्रांसफरर जो है वो मेक मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है एंड देर इज अ की फैक्टर ट्रांसफरर हैज समथिंग इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एक्सेट्रा, कैलकुलेट कीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड रैंक अकॉर्डिंगली, कैलकुलेट कीजिए प्रोडक्ट मिक्स ऑफ आउटसाइड सेल। हम क्या बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल, व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल क्या है, इफ ट्रांसफरर मेक्स मल्टीपल प्रोडक्ट, हम क्या बोलते हैं जो ट्रांसफरर है वो क्या कर रहा है, अगर ट्रांसफरर जो है वो मेक्स मल्टीपल प्रोडक्ट, ट्रांसफरर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, देयर इज अ की फैक्टर ट्रांसफरर हैज समथिंग इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एक्सेट्रा, हमें कैलकुलेट करना होगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड रैंक अकॉर्डिंगली, कैलकुलेट कीजिए प्रोडक्ट मिक्स ऑफ आउटसाइड से। व्हाट वी नीड टू डू हियर बाय इज कैलकुलेट, सबसे पहले हम बोल रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग जो हुए वो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे हो रहा है। इफ ट्रांसफरर मेक्स मल्टीपल प्रोडक्ट एंड देयर इज अ की फैक्टर, अगर ट्रांसफरर जो है वो मेक्स मल्टीपल प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रहा है और कोई की फैक्टर है, ट्रांसफरर हैज समथिंग इन शॉर्ट सप्लाई, ट्रांसफरर के पास क्या हैज समथिंग इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर आवर्स, मशीन्स आवर्स एक्सेट्रा, तो हमें कैलकुलेट करना होगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड रैंक अकॉर्डिंगली। उसके बाद कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मिक्स को ऑफ आउटसाइड सेल, प्रोडक्ट मिक्स ऑफ टोटल अवेलेबल आवर्स विदाउट इंटरनल ट्रांसफर, प्रोडक्ट मिक्स ऑफ आवर्स रिमेनिंग आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर। Difference between about two will be the opportunity cost of internal transfer. Difference between the two will be opportunity cost of internal transfer. Minimum transfer price will be equals to the variable cost plus opportunity cost of internal transfer. हम क्या बोलते हैं that what will be the minimum transfer price? Minimum transfer price क्या होगी? हमारी variable cost क्या है plus हमारी opportunity cost क्या है internal transfer की? Minimum transfer price क्या होगी? हमारी variable cost क्या है plus the अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल डिविजन ए मैन्युफैक्चर कर रहा है तीन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल डिविजन ए, हम क्या बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल डिविजन ए जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिविजन ए जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तीन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट की 48, 46, 40। वेरिएबल कॉस्ट जो है हमें दी है 33, 24, 28। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड क्या है 3, 4, 2। आउटसाइड डिमांड क्या है 800 यूनिट, 500 यूनिट एंड 300 यूनिट। लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं 56,000 आज। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्ड टू डिविजन बी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई कितनी रिक्वायर्ड है डिविजन बी को 3,000 यूनिट्स की जरूरत है। व्हाट वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस, हमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हाट वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट करना होगा द ट्रांसफर प्राइस। नाउ हियर बाय द कैलकुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, हाउ विल यू कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट एज पर द गिवन डेटा वी हैव already given the selling price of all the three products as well as the variable cost per unit, then we have given the labor hours per unit, then we have the outside demand of this, whereas we need 300 units of
इज 300 यूनिट्स जो है दैट द सेम इज रिक्वायर्ड बाय डिवीजन बी, बी को इतना चाहिए. तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर. हाउ विल यू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर इज नथिंग बट दी व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट. व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन यू डिडक्ट द सेम द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. व्हाट वी नीड टू डू हियर बाय इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. We have the x, y, z. Then we have already, as per the given data, we have given the selling price per unit. Once you have selling price per unit, मैं से आपको deduct करना होगा the variable cost per unit. What you need to do is just take the selling price, then deduct the variable cost. You will get the contribution per unit. Once you get the contribution per unit, just divide it with the labor hours. Per unit labor hours we have already given in the question that what are the labor hours that is nothing but 342 342 hame kya de rakha hai labor hours per unit 342 hame labor hours de rakha hai per unit. So you will get the contribution per labor hour. To isse hamara kya aayega, hamara aayega contribution per labor hour. So just divide the contribution per unit with the labor hour. Contribution per unit the labor hour and contribution per unit with the labor hour. You will get the contribution per labor hour. After that you need to rank the same that jiska contribution zyada aaya rank 1 fir then matlab we can say in the descending order sabse jiska zyada hai wo 1 then 2 and then 3. Once you get the rank to uske hisab se hame apportionment karna hoga further. Product mix without इंटरनल ट्रांसफर, जैसे कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स कितनी थी, वी हैव गिवन दैट वी हैव 5600 आवर्स. उसके लिए फिर हमें कितना चाहिए था, 300 चाहिए था. 300 किसका चाहिए था वो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन था. हमें 300 यूनिट चाहिए था किसका, प्रोडक्ट वाई का. 300 यूनिट चाहिए है प्रोडक्ट वाई का. प्रोडक्ट वाई में कितने आवर्स बता रहे हो, 4 आवर्स. तो थ्री यू व्हाट वी विल डू इज 300 मल्टीप्लाई करेंगे विद द इसको हमें पहले एक बार रैंकिंग के हिसाब से कर रखा है. हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, एक तो एक बार तो हम कितनी बाहर की डिमांड है, एक्सटर्नल डिमांड को हम कंसिडर करेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास कितना बच रहा है वो देखेंगे. तो सबसे पहले जो हमारी जो जेड की रैंक आई थी वो रैंक 1 आई थी. तो 6 को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना जेड का आज है 6 मल्टीप्लाई, मतलब 6 है. और इसकी डिमांड कितनी, पहले हमें इसकी डिमांड भी देखनी होगी. इसकी डिमांड जो है वो हमें दे रखी होगी आउटसाइड डिमांड. तो हमने 300 मल्टीप्लाई, हमने सबसे पहले जेड को इसलिए लिया बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर के अकॉर्डिंग रैंक 1 था. तो हमने क्या किया, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, जिससे मतलब हमारे अवेलेबल आवर्स कितने थे, अवेलेबल आवर्स थे हमारे पास 5600. 5600 में हमने किया 300 मल्टीप्लाई 2, यानी कि उससे आया हमारा 600. 600 आ गया. तो मतलब अभी तक हमारे पास बचा है 5000. अब हमारी आउटसाइड डिमांड क्या है, वाई के लिए आउटसाइड डिमांड है क्योंकि रैंक 2 में आया था वाई, रैंक 2 में आया था वाई. तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि हमारा आ जाएगा 2000. तो अब हम लेस कर देंगे 2000, यानी कि 5000 इंटू 4, 5000 सॉरी 500 इंटू 4 यानी कि 2000. तो अब हमारे पास 300 बचा है. अब हमारे पास एक्स के लिए कितना है, 800 इंटू 3 यानी कि 2400. तो अभी हमारे पास एक्सेस है 600, जबकि हमें कितना चाहिए 300. हमें हमारे पास है 600, हमें चाहिए 300. और 300 में भी इसका कितना है, हमारे पास 600 है अवेलेबल एक्सेस में. अब हमारा आएगा प्रोडक्ट मिक्स ऑफ आउटसाइड सेल विदाउट इंटरनल ट्रांसफर. विदाउट इंटरनल ट्रांसफर, अगर हम इंटरनल ट्रांसफर नहीं करते तो हमारा मतलब 300 मल्टीप्लाई वाई के हिसाब से 4, तो 1200 हमारे. अगर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स ऑफ आवर्स आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर, यस हमारे पास कितना अवेलेबल होता अगर हम पहले इंटरनल, पहले आउटसाइड डिमांड नहीं, पहले इंटरनल ट्रांसफर करते और फिर बाहर जाते. तो 5600 माइनस 300 जो कि वाई का चाहिए, 300 मल्टीप्लाई बाय 4, 1200. तो हमारे पास अवेलेबल होता 4400, 4400 ही होता. फिर हम फिर से कैलकुलेट करते हैं जेड के लिए, एक्स वाई के लिए, एक्स के लिए तो एक्स में शॉर्टेज पड़ जाता. तो हमारे पास तो लास्ट में बचता 1800 ही, 1800 और एक्स, एक्स का होता 3. तो हम उसको, तो हम सिर्फ और सिर्फ 600 यूनिट से उसकी ले पाते हैं. तो दो केस बनते हैं कि हम पहले
आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर, यानी कि पहले इंटरनल ट्रांसफर करके कितने अवेलेबल आ जाए, या फिर पहले आउटसाइड डिमांड, मतलब पहले ट्रांसफर करें तो कैसे होगा, पहले हम आउटसाइड अमाउंट फुलफिल करें और फिर ट्रांसफर करें तो क्या होगा, और हम दूसरा केस बन जाता है कि पहले इंटरनल ट्रांसफर करें तो फिर कितना उसके लिए अवेलेबल होगा. तो प्रोडक्ट मिक्स ऑफ आउटसाइड सेल्स आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर, तो उस केस में कितना है, आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, आउटसाइड सेल्स आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर एक्स के लिए 600, वाई के लिए 500, जेड के लिए 300. तो इससे हमारी क्या है, यूनिट्स आ जाएगी. तो इसमें हमारी सिर्फ एक्स के यूनिट बदलेगी कि कितनी यूनिट्स पहले थी आउटसाइड सेल बिफोर इंटरनल ट्रांसफर से. पहले तो हम एक्स के भी 800 यूनिट बना देते हैं, बट अगर पहले इंटरनल ट्रांसफर कर गया तो एक्स के लिए शॉर्टेज हो जाएगी, और वो कितनी होगी, फिर वो यूनिट जो है वो 600 पे आ जाएगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है हमारे लिए इस केस में, क्योंकि हमारा जो है 200 मल्टीप्लाई बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी 15, तो 3000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी. तो उसके अलावा तो हमारी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे आएगी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो है हमारी आएगी, क्योंकि जो 300 यूनिट है उसके लिए तो हम 24 जो हमारी कॉस्ट लग रही है, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि वो 200 यूनिट की शॉर्ट कमिंग हो रही है उसकी वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है 3000. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो है वो 10,200 आ जाएगी. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी हमारी यूनिट्स है, हमें क्या 10,200, क्योंकि हमें तो पर यूनिट चाहिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारी आ जाएगी 34 के हमारी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आ जाती है इस केस में. तो इसमें यही है, इसमें बस हमें एक चीज ऊपर से और देखनी है, एक बार हम सेलिंग प्राइस क्या थी हमारी वो देख सकते हैं, बाकी सब तो हमें क्लियर है, क्योंकि हमारी जो है सेलिंग प्राइस जो थी ये हमारी इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है, 46 माइनस 24, तो इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने निकाली है यूनिट्स के थ्रू, अमाउंट के थ्रू. वही पहले वाले केस में हमारी, मतलब हमें कितना चाहिए था, 300, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो पहले अमाउंट में निकली है. हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है, हमारी यूनिट कितनी थी 300, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ इस तरीके से निकली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर डेट इज 15 रुपीज. ये 15 कैसे आया है, 200 की शॉर्ट कमिंग थी हमारी, एक्स वाली केस में ये यहाँ से आया है, ये 15 यहाँ से आया है, तो ये 15 यहाँ से आया है, और वाई के लिए हमारी मतलब वेरिएबल कॉस्ट 24 लग रही थी, हमने क्या किया 300 मल्टीप्लाई 24 प्लस उसके थ्रू हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने की लग रही थी, 15 की, 200 यूनिट की, 200 यूनिट की शॉर्ट कमिंग हो रही थी एक्स में, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही थी 15, तो 3000 ऐसे आया 3000. तो हमने किया 24 मल्टीप्लाई 300 यूनिट प्लस 3000, डिवाइड किया हमने इसको, कितनी यूनिट बनानी थी 3000, तो ऐसे हमारी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आएगी. ओके, अब हम फर्दर पढ़ते हैं. अब हम फर्दर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कंफ्लिक्ट. कैसे हम रिजॉल्व करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग कंफ्लिक्ट को, यहाँ तक हमारा सारा हो गया है. व्हाट विल बी दी प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कंफ्लिक्ट्स, प्रपोजल क्या होगा फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कंफ्लिक्ट के लिए, ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स,
steps to change the attitude of divisional head if they are against interdivisional transfer. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट. प्रपोजल क्या होगा फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए. व्हाट विल बी द प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग. प्रपोजल क्या होगा फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट. ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल स्टेप्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड इफ दे आर अगेंस्ट इंटर डिविजनल ट्रांसफर. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट. प्रपोजल क्या होगा व्हाट विल बी द प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट. ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स. हम क्या बोलते हैं कि जो ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स होंगे व्हाट विल बी द स्टेप्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड इफ दे आर अगेंस्ट इंटर डिविजनल ट्रांसफर. ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स क्या होंगे व्हाट विल बी द ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स स्टेप्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड इफ दे आर अगेंस्ट इंटर डिविजनल ट्रांसफर. ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट टू कैप्ट मोटिवेटेड डिविजनल मैनेजर. हमें क्या करे मोटिवेट करे डिविजनल मैनेजर को मोटिवेट रखे. ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. व्हाट इज द ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है सप्लाइंग डिविजन क्रेडिटेड विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है सप्लाइंग डिविजन क्रेडिटेड विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. सप्लाइंग डिविजन जो है वो क्रेडिट करता है विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. रिसीविंग डिविजन चार्ज विद मार्जिनल कॉस्ट. रिसीविंग डिविजन जो है वो चार्ज करता है विद मार्जिनल कॉस्ट. तो व्हाट इज द ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम क्या है सप्लाइंग डिविजन क्रेडिटेड विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. सप्लाइंग डिविजन जो है वो क्रेडिट करता है विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. रिसीविंग डिविजन चार्ज विद मार्जिनल कॉस्ट. इम्प्रूव करता है कॉपरेशन. प्रमोट करता है गोल कॉन्ग्रुएंस. कॉम्प्लिकेट रिकॉर्ड्स. रिजल्ट्स इन एरर. प्रॉफिट इज आर्टिफिशियल एंड यूज ओनली फॉर इंटरनल इवेल्यूएशन. इसे यूज किया जाता है ओनली फॉर इंटरनल इवेल्यूएशन. तो व्हाट इज द ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग. व्हाट आर द प्रपोजल फॉर रिसीविंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट. हम क्या बोलते हैं प्रपोजल क्या होगा फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हाट विल बी द प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स स्टेप्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड इफ दे आर अगेंस्ट इंटर डिविजनल ट्रांसफर. ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट टू कीप मोटिवेटेड मैनेजर. ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम के सप्लाइंग डिविजन क्रेडिट करेगा विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. रिसीविंग डिविजन चार्ज करेगा विद मार्जिनल कॉस्ट. सप्लाइंग डिविजन जो है वो क्रेडिट करेगा विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. रिसीविंग डिविजन चार्ज विद मार्जिनल कॉस्ट. इम्प्रूव करेंगे कॉपरेशन. प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस. कॉम्प्लिकेट रिकॉर्ड्स. रिजल्ट्स इन एरर्स. प्रॉफिट इज आर्टिफिशियल एंड यूज किया जाएगा फॉर ओनली इंटरनल इवेल्यूएशन. उसके बाद आता है हमारा टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. व्हाट इज टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम फिक्स्ड चार्ज. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज अ टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट. व्हाट वी नीड टू डू मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम फिक्स्ड चार्ज. मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम फिक्स्ड चार्ज कितना है. बेटर प्रॉफिट टू सप्लाइंग डिविजन. बेटर प्रॉफिट मिलेगा सप्लाइंग डिविजन को. परचेजिंग डिविजन कैन परचेज एट लोअर प्राइस देन मार्केट. परचेजिंग डिविजन जो है परचेज कर सकता है इसको लोअर प्राइस देन मार्केट. तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं इन केस ऑफ टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. व्हाट इज योर मार्जिनल कॉस्ट प्लस यू विल एड द लमसम फिक्स्ड चार्ज. व्हाट विल यू डू इज basically what is a two part transfer pricing system is nothing but transfer pricing is equals to the marginal cost. What will you do is marginal cost plus lump sum fixed charge. Marginal cost plus lump sum fixed charge. Better profit hoga to supplying division ko. So this is a particular formula which we need to retain hereby is transfer pricing. In case of two part transfer pricing system, transfer price is nothing but marginal cost plus lump sum fixed charge. Better profit hoga supplying division ko. Purchasing division can purchase at lower price than market. Then comes the dual rate transfer pricing system. What is the dual rate transfer pricing system? क्या है? Supplying division credited with full cost plus profit margin. Supplying division जो है वो credit करेगा with full cost plus profit margin. Receiving division charge करेगा with marginal cost. What is the dual rate transfer pricing system? What is the dual rate transfer pricing system? क्या होता है? Supplying division credit करेगा with full cost plus profit margin. Receiving division charge करेगा with marginal cost. Improve करेगा coordination, promote goal congruence, complicate record, results in error. Profit is artificial and use किया जाएगा only for evaluation.
इन केस ऑफ ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में सप्लाइंग डिविजन जो है क्रेडिट करेगा विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। इस पर्टिकुलर पार्ट पे भी एमसीक्यू बनता है। ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है, सप्लाइंग डिविजन जो है वो क्रेडिट करेगा विद फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, जबकि जबकि जो सेकंड वाला है हमारा टू पार्ट, उसमें क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स लमसम, और इसमें क्या होगा फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। उसमें क्या है मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम फिक्स अमाउंट। रिसीविंग डिविजन चार्ज करेगा विद मार्जिनल कॉस्ट, इम्प्रूव कॉपरेशन, प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस, कॉम्प्लिकेट रिकॉर्ड, रिजल्ट्स इन एरर, एंड प्रॉफिट इज आर्टिफिशियल एंड यूज ओनली फॉर इंटरनल इवेल्युएशन। देन कम्स द इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। दिस टॉपिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन आवर सिलेबस ऑफ एस सी पी एम। वेन डिविजन ऑफ कंपनी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री, हम क्या बोलते हैं दैट वॉट इज द इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में क्या होता है, what happen in case of international transfer pricing when division of company located in different countries, हम क्या बोलते हैं कि जब division of company, जो company के divisions है वो different different company में located है, तो that's why we are calling it as international transfer pricing। इसीलिए तो इसे international transfer pricing बोल रहे हैं, because हमारी जो company के division है वो अलग अलग countries में located है, तो overall benefit क्या होगा company को, saving benefit to one division, जैसे कि net of tax कितनी सेविंग है, बेनिफिट है टू वन डिविजन विच इज द नेट ऑफ टैक्स माइनस कॉस्ट एंड लॉस टू अदर डिविजन नेट ऑफ टैक्स। कॉस्ट एंड लॉस क्या है टू दूसरे डिविजन को नेट ऑफ टैक्स, यू विल गेट द ओवरऑल बेनिफिट टू द कंपनी। तो आपको क्या आ जाएगा, ओवरऑल बेनिफिट आ जाएगा। तो आपको बताना है कि सेविंग बेनिफिट क्या है, व्हाट विल बी द सेविंग एंड बेनिफिट क्या है एक डिविजन का, उसमें से आपको कॉस्ट और लॉस लेस करना है दूसरे डिविजन का, तो यू विल गेट दी ओवरऑल बेनिफिट टू दी कंपनी। देन इनकम स्टेटमेंट अंडर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, देन यू विल गेट व्हाट इनकम स्टेटमेंट अंडर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। आफ्टर दैट हमें कैसे करना होगा, दैट व्हाट विल बी द इनकम स्टेटमेंट अंडर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, डिविजन ए डिविजन बी ट्रांसफर ट्रांसफरी आउटसाइड से, जो भी उनकी ट्रांसफर प्राइसेस जो भी है फिर वो फर्दर उधर जाएगी, फिर हमारी खुद की जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, टैक्स लेस करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग एज पर दी अतुल सर नोट्स वो हो जाता है ओवर, बट फर्दर हमें इसके प्रैक्टिकल सम्स भी करने हैं, ऑल टुगेदर ही करने हैं, तो आई विल रिकॉर्ड द सेम एंड वी विल सॉल्व डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चंस। ऑलराइट।